नमस्कार, मैं आपके साथ हूं संजीव शंकर तिवारी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्रिएटिव सास में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सिस्टम सेटिंग के बारे में, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम अपने मशीन के मेन स्क्रीन पर हैं। हम चलते हैं मेन मेन्यू के अंदर और यहाँ से सेटिंग के अंदर करते हैं लॉगिन। स्क्रॉल करके इसे हम पहुंच जाते हैं सिस्टम सेटिंग के अंदर और यहाँ पर हम चलते हैं सबसे पहले डेट एंड टाइम के अंदर। डेट एंड टाइम के सारे ऑप्शंस को देखते हैं तो यहाँ पर तीन ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं जो खुल नहीं रहे हैं, ये नहीं खुल रहे हैं। तो ये खुलेंगे कैसे, इसे मैं आगे दिखा रहा हूँ। पहले हम देखते हैं ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम को। ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम में जाते हैं तो हमें यहाँ पर तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट यूज नेटवर्क प्रोवाइडर टाइम ऑन है। यूज नेटवर्क प्रोवाइडर टाइम यानी कि इसमें जो सिम लगी है उसके जहाँ से नेटवर्क मिल रहा है इसे उसके हिसाब से ये टाइम ले रहा है। दूसरा है यूज GPS प्रोवाइडर टाइम, इसमें इंटरनेट GPS के थ्रू आपको टाइम मिलता है, जो कि आपका GPS इस मशीन का ऑन रहता है। ये आपने पिछले एपिसोड में देख लिया है कि आपकी मशीन का GPS बाय डिफ़ॉल्ट भी ऑन रहता है और आपको ऑन रखना ही है। तीसरा ऑप्शन है ऑफ का। ऑफ को जब क्लिक करेंगे तो वहाँ के दो ऑप्शन खुल जाएंगे, ये आप देख ले, यहाँ पर दो ऑप्शन खुल गए हैं। अब ऑटोमेटिक टाइम जोन, यानी यहाँ पर आपको टाइम जोन को भी सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है। अगर आप टाइम जोन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसे आपको करना होगा ऑफ, और अब यहाँ पर खुल गया है। हमारे यहाँ का इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो कोलकाता का GMT 530 का है, बाकी अन्य जगहों का अन्य अन्य टाइम जोन है। यहाँ पर कोलंबो भी लगा देंगे तो चलेगा, लेकिन वो हमारे देश का नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर 1:54 हुए हैं, तो यहाँ पर आप लगाते हैं अगर 6 तो यहाँ पर 2:24 हो जाते हैं, यानी हमारा टाइम गलत हो जाएगा, किसी दूसरे देश के टाइम पर डिपेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कोलकाता का ही कर लेते हैं जो कि हमारा अपना है, और हम इसे ऑटोमेटिक टाइम जोन पे सेट कर देते हैं क्योंकि इस टाइम जोन में हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। सेट डेट, सेट डेट आपको यहाँ पर डेट सेट कर सकते हैं, जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। तो हमें फ़िलहाल कोई चेंजिंग इसमें नहीं करनी है। टाइम आप यहाँ पर टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप अपनी घड़ी से मिलाना चाहते हैं तब के लिए है, क्योंकि डेट तो सभी के लिए एक जैसी होती है लेकिन हमारी घड़ी में समय अलग अलग हो सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर अपना समय मिला सकते हैं। फ़िलहाल हमें इसमें भी चेंजिंग नहीं करनी है, तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज नेटवर्क प्रोवाइडर टाइम को ओके कर देते हैं। अब हमारा आखिरी ऑप्शन बचता है यूज 24 आवर्स फॉर्मेट। यहाँ पर आप देख लीजिए 1:56 हुए हैं, अगर इसे ऑन कर देते हैं इस ऑप्शन को तो यहाँ पर 13:56 हो जाते हैं, यानी कि अब ये 24 घंटे बाद ही ये बजाएगा एक, और अगर इसे बंद कर देते हैं तो 1:56 फिर से हो जाते हैं। तो हमें 1:56 ही अच्छा है क्योंकि 13 हमें समझने में भी दिक्कत हो सकती है। अब हम यहाँ से चलते हैं वापस। अब दूसरा ऑप्शन है एसेसबिलिटी का। एसेसबिलिटी के अंदर पहला ऑप्शन है सर्विस का, तो यहाँ पर सर्विस कोई इंस्टॉल है नहीं तो इसलिए इसमें कोई भी चेंजिंग या कुछ नहीं होगा। अब दूसरा है कैप्शंस का, तो कैप्शन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी स्टाइल्स दी हुई हैं, क्या आप सेटिंग करना चाहते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें आप चेंजिंग करते हैं तो आपको सामान्यतः दिखता नहीं है कि चेंजिंग क्या हो रही है क्योंकि ये सारी बैकग्राउंड में चल रही होती हैं, तो इसलिए यहाँ पर आप जो भी करेंगे वो कहाँ असर डालता है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर ये असर डालेगा और वहीं पर आपको दिखाएगा। तो इसे हम फ़िलहाल बंद करते हैं, हमें कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन है मैग्नीफिकेशन गेस्चर, जिसके अंदर हम चलते हैं। अब इसे ऑन करने का मतलब क्या है पहले ये हम जान लेते हैं। अगर इसे हम ऑन करते हैं तो इसे हम ट्रिपल टच करेंगे तो इसके अक्षर जो हैं ये थोड़े ऊपर आ जाएंगे, और अगर इसे ट्रिपल टच करेंगे तो ये फिर वापस चले जाएंगे। तो इसे हम ऑन करके देख लेते हैं। यहाँ पर ये मैग्नीफिकेशन गेस्चर ऑन हो गया है, अब इसे हम करते हैं टच तो ये थोड़ा ऊपर आ गया है, अब इसे ट्रिपल टच करते हैं तो वापस चला जाता है। आपको ये स्मार्टफोन में डबल टच पर मिलता है, आप वहाँ पर डबल टच करेंगे तुरंत ऊपर आ जाएगा और डबल टच करेंगे फिर वापस चला जाएगा। तो ये स्मार्टफोन की तरह ही है लेकिन इसमें ट्रिपल टच दिया गया है और उसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा ऑन रहता है और इसमें ऑन आपको करना पड़ेगा अगर आपको ज़रूरत है तो। फ़िलहाल हम इसे बंद करते हैं।
तीसरा है टेक्स्ट लार्ज, यानी कि जो आपको टेक्स्ट ये दिख रहा है ये लार्ज पर ही दिख रहा है, अगर आप इसे बंद कर देते हैं तो देख लीजिए कितने छोटे छोटे अक्षरों में हो गया है, इसलिए यहाँ पर ज़रूरत है कि इसे ऑन रखा जाए। अब अगला ऑप्शन है हाई कंट्रास्ट टेक्स्ट का, यानी कि जो लिखे हुए अक्षर हैं वो और ज़्यादा चमकदार होकर के आपके सामने आएंगे, और ये एक्सपेरिमेंटल है, यानी इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है कि इससे आपका परफॉर्मेंस डाउन हो मशीन की या कोई अन्य फर्क पड़े, लेकिन इसके जो कंट्रास्ट हैं यानी कि अक्षरों की जो चमक है वो बढ़ जाएगी। इसे ऑन करने के बाद जो अक्षरों पर प्रभाव पड़ता है वो आपको सामान्यतः दिखेगा नहीं। फिलहाल हम इसे बंद कर देते हैं। अब इसका अगला ऑप्शन है ऑटो रोटेशन का। ऑटो रोटेशन तो सभी जानते हैं, जिधर हम स्क्रीन को घुमाएंगे उधर ही ये काम करना शुरू कर देगा। अब हम इसे घुमाते हैं और थोड़ा ग्रेविटी की तरफ आपको झुकाना पड़ेगा। तो हमें ऑटो रोटेशन की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमारी मशीन एक जगह रखी रहती है, वहीं पर हम काम करते हैं, तो इसलिए हम ऑटो रोटेशन को ऑफ़ कर देते हैं। अब अगला ऑप्शन है स्पीक पासवर्ड्स का, तो इसे हम ऑन करते हैं। अब देखिए पासवर्ड तो हमारे यहाँ दो ही लगे हुए हैं, एक फाइल मैनेजर पर और दूसरा सेटिंग पर, तो चलिए हम एक पर करके देख लेते हैं कि क्या ये पासवर्ड बोलती है या नहीं बोलती है। यानी ये पासवर्ड बोलती नहीं है, सिर्फ जो वही टिक टिक की आवाज़ करती थी वही करती है। तो हम चलते हैं फिर वहीं पर। इसका मतलब यह नहीं है कि यह पासवर्ड नहीं बोलती है, कहीं ना कहीं इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है जहां पर यह पासवर्ड बोलती है, लेकिन कहां पर बोलती है इसके बारे में कोई ख़ास पता भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी दो ही पासवर्ड दिख रहे हैं और उस दोनों में तो बोलती है नहीं, और तीसरा पासवर्ड स्क्रीन पर मिलता है वहाँ पर भी ये बोलती नहीं है, चाहे आप करके देख लें। तो इसे हम बंद कर देते हैं फ़िलहाल। अब है असेसबिलिटी शॉर्टकट। तो असेसबिलिटी शॉर्टकट में होता क्या है कि जैसे आप पावर बटन को ऑफ करते हैं तो यहाँ पर देखिए कोई आवाज़ एक्स्ट्रा आवाज़ नहीं आई है, लेकिन यही बात जब इसे ऑन कर देंगे आप तो देखेंगे कि आपको एक आवाज़ सुनाई देगी, जैसे हम यहाँ पर ऑन करके दिखाते हैं आपको, तो यहाँ पर आपको एक आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि ये यही कहता है कि अगर आपने मशीन में वाइब्रेशन ऑन कर रखा है तो वाइब्रेशन के साथ आवाज़ आएगी, क्योंकि आपका डिफ़ॉल्ट जो है वो नॉर्मल ही लगा हुआ है। अगर आप इसे साइलेंट कर देते हैं रिंग को तो आपके यहाँ रिंग भी नहीं बजेगी, वाइब्रेशन फीलिंग्स होगी। तो हम इसे बंद करते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब है टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट, यानी कि जो आप टेक्स्ट में लिखो उसे आउटपुट दे स्पीच में, इसे देखते हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ सेटिंग्स मिल रही हैं जो कि बाई डिफ़ॉल्ट कुछ सेट भी हैं, और यहाँ पर हम सेटिंग कर भी सकते हैं कि हमें कौन सी लैंग्वेज में चाहिए, तो जो भी यहाँ पर सिस्टम ले रहा है वही ठीक है, या फिर हम यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट की लगा सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ यही बोली जाती है। स्पीच रेट क्या होगा, नॉर्मल है, आप यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, स्लो, नॉर्मल, फास्ट, वेरी फास्ट, रैपिड, यानी जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फिलहाल हम इस पर रखते हैं। लिसन टू एन एग्जांपल, यानी उदाहरण के लिए आप इसे सुन सकते हैं कि कैसा आपको स्पीच करके सुनाएगी, तो इसे हम सुनते हैं। This is an example of speech synthesis in English. तो ये तो इसे नॉर्मल पर सुना रही है। अब हम स्पीच रेट अगर बढ़ाते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, फास्टर करके देखते हैं। अब इसे और भी करते हैं हम, वेरी फास्ट नहीं रैपिड कर देते हैं, तो इतना ये रेट बढ़ जाएगा इसका। अब फिलहाल हम नॉर्मल कर देते हैं, और इसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग है लैंग्वेज की जो कि यूनाइटेड स्टेट की लगी हुई है, इसमें हम चेंजिंग नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं यहाँ से वापस। अगला ऑप्शन है हमारे पास टच एंड होल्ड डिले, इसे हम देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग। अब ये कुछ मिली सेकेंड में होते हैं, चाहे आप इसे मीडियम कर दीजिए चाहे इसे लॉन्ग कर दीजिए, यहाँ पर आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जो टच करते हैं वो इतनी जल्दी काम कर जाता है, कुछ मिली सेकेंड का फ़र्क रखा गया है, इससे आपको पता कभी नहीं चलेगा कि इसे शॉर्ट या मीडियम करने से क्या फ़र्क पड़ता है मशीन पर। ये तो बूट के लिए है, इसे हम छोड़ देते हैं। अब अगला ऑप्शन है कलर इन्वर्जन का, वो भी एक्सपेरिमेंटल है,
और एक्सपेरिमेंटल आपका कंट्रास्ट भी था, लेकिन यहाँ पर बता रहा है कि मे अफेक्टेड परफॉर्मेंस, यानी आपकी मशीन के चलाने का जो परफॉर्मेंस है उस पर फर्क पड़ेगा। तो इसे ऑन करके हम देखते हैं। अब आपको कुछ ऐसी स्क्रीन मिलेगी, यानी सब कुछ ब्लैक में रहेगा और आपके जो अक्षर हैं वो वाइट में हो जाएंगे। हम इसे बंद करते हैं क्योंकि इसमें हमें काफ़ी सारी मेहनत पड़ जाएगी। अब आखिरी ऑप्शन बचता है कलर करेक्शन का, तो कलर करेक्शन RGB पर ही होता है और यहाँ पर भी ये भी बता रहा है कि एक्सपेरिमेंटल ही है और ये भी अफेक्ट डालेगा ही डालेगा, लेकिन कलर करेक्शन आपको करता हुआ दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए हम इसे बंद कर देते हैं और हम वापस चलते हैं अपने सेटिंग के अंदर। अबाउट के बारे में हम आपको बताएंगे नहीं, अबाउट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है, बैटरी स्टेटस, बैटरी लेवल, यानी इस मशीन के बारे में जो भी है वो आप अबाउट में देख सकते हैं। शेड्यूल पावर ऑन एंड ऑफ, इसे मैंने एपिसोड नंबर 21 में बता दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। प्रिंटिंग, यहाँ पर कोई सर्विस इंस्टॉल नहीं है, जब आप बाहरी से कोई प्रिंटर लगाएंगे तब आपको इसमें सेटिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, और फिलहाल हमारा प्रिंटर काम कर रहा है तो हमें बाहर लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए हम इसमें कोई सेटिंग नहीं करेंगे। चलते चलते हम आपको एक बार फिर याद दिला दें कि अनावश्यक अपने सेटिंग में कोई छेड़छाड़ ना करें, इससे आपकी जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो करप्ट हो जाएगी, यानी गड़बड़ हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।